हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन आज हम पढ़ रहे हैं क्लोरो ब्लैंक क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन ब्लैंक क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन को हम बेंजीन वाले चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उसमें जो नेम रिएक्शंस हैं और बेंजीन के रिएक्शन हैं उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और नेम रिएक्शंस में इसको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है या फिर इस तरह से कि अधूरा रिएक्शन दिया हो और उसको पूरा करें ऐसे क्वेश्चन uh, में ब्लैंक क्लोरोमिथाइरेशन रिएक्शन जिसका कि दूसरा नाम ब्लैंक रिएक्शन है uh, उसमें ये पूछा जाता है आइए देखते हैं कि ब्लैंक रिएक्शन है क्या इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स विथ फॉर्मलिहाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड यानी यह जो ब्लैंक रिएक्शन है या ब्लैंक क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन है वो एरोमेटिक वलय एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेलिटी और हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्मेलिटी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच तो ये फॉर्मेलिटी है इसके साथ और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एरोमेटिक रिंग और हम क्योंकि बेंजीन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बेंजीन के साथ फॉर्मेल्डिहाइड और एच का रिएक्शन और किसकी उपस्थिति में जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में या हम कह सकते हैं कि किसी लुइस एसिड लुइस अम्ल के उपस्थिति की प्रेजेंस उपस्थिति में यह अभिक्रिया जो कि ब्लैंक क्लोरोमिथेलिशन है वो संपन्न होती है और इसके नतीजन या इसके इस रिएक्शन की वजह से क्लोरोमिथाइल एरीन प्राप्त होते हैं तो ये रहा क्लोरोमिथाइल एरीन आप देख सकते हैं कि ये आ, क्लोरो ग्रुप है ये सी एच थ्री से एक हाइड्रोजन हटाकर ये है सी एच टू और सी एल देखिए अगर मिथाइल ग्रुप होता तो वो होता सी एच थ्री इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया तो हो गया सी एच टू और उस हाइड्रोजन को हटा के लगाया सी एल तो सी एच टू सी एल ग्रुप हुआ और यही ये सी एच टू सी एल ग्रुप है ये और ये सेम है तो जो बेंजीन का रिंग है उसमें से हर कार्बन पर उसके हर कार्बन पर हाइड्रोजन है आपको मालूम है तो एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह अगर सी एच टू सी एल ग्रुप लगा दिया जाता है तो उसको कहते हैं है हम क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन तो इस क्लोरोमिथाइलेशन का नेम है ब्लैंक क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन या फिर ब्लैंक रिएक्शन द रिएक्शन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गोस्टैव लुई ब्लैंक तो ये 1923 में गस्टाव लुई ब्लैंक ने इसको डिस्कवर किया था दिस रिएक्शन प्रोड्यूस हाईली कार्सिनोजेनिक बिस क्लोरोमिथाइल ईथर एज अ बाई प्रोडक्ट Uh, तो uh, इसका जो एक बाई प्रोडक्ट है साइड uh, प्रोडक्ट है वो है क्लोरो मिथाइल का ईथर यानी दो क्लोरो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं अगर ऑक्सीजन के साथ तो ये हुआ बिस मिथाइल ईथर जो कि हाइली कार्सिनोजेनिक है हाईली कार्सिनोजेनिक यानी इससे कैंसर होता है तो ऐसे कंपाउंड्स जो कैंसर कॉजिंग हैं कैंसर कर देते हैं उनकी वजह से कैंसर होता है उनको कार्सिनोजेनिक कंपाउंड कहते हैं तो ये जो इस रिएक्शन में ब्लैंक रिएक्शन में एक साइड प्रोडक्ट बनता है वो है बिस्कलोरोमिथाइल ईथर जो कि कार्सिनोजेनिक है हम पूरे रिएक्शन को इस प्रकार से ओवरऑल रिएक्शन को लिख सकते हैं दिस इज अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं ओवर ऑल रिएक्शन अब आप अगर हिंदी में नोट्स बना रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में समझिए इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए हिंदी में आप समझिए और हिंदी में ही आप उसको लिखिए जहाँ अगर आपको लगे कि आप कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज कर सकते हैं जैसे कि बिस्कलोरोमिथा लीथर को आप इसी नाम से लिखें जिंक क्लोराइड को आप इसी नाम से लिखें लुइसिट को इसी नाम से लिखें लिखे, ऐसा आप कर सकते हैं फॉर्मेलिटी को इसी तरह से लिखें लेकिन जब आप आ, लिख रहे हैं इन वर्ड्स को इंग्लिश में तब स्पेलिंग का बहुत खास ध्यान रखें क्योंकि अगर आप स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे तो कंपाउंड का कुछ और मतलब भी निकल सकता है सो व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स इन इंग्लिश इंग्लिश में आप अगर कुछ आ, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिंदी नोट्स के साथ उनके स्पेलिंग का ध्यान खास रखें इस बात को ध्यान में रखें आप जो इंग्लिश लिखा हुआ है उससे भी आप समझ सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ उससे भी आप चीज़ को समझ सकते हैं और वीडियो को पॉज करते हुए आराम से नोट्स को बनाइए एक या दो बार देखेंगे तो लिखने में भी आसानी होगी तो हम पढ़ रहे हैं ब्लैंक क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन जिसका नाम दूसरा नाम है ब्लैंक रिएक्शन नेम रिएक्शन में ये आता है और ये बेंजीन पर आ, एक फॉर्मैलिटी हाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन है और यह लुइस एसिड कैटलिस्ट या लुइस अम्ल उत्प्रेरक जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में इसे किया करवाया जाता है और इसके नतीजन एक साइड प्रोडक्ट बनता है बिस क्लोरोमिथाइल ईथर जो कि हाईली कार्सिनोजेनिक है बिस क्लोरोमिथाइल ईथर का जो फॉर्मूला है मैंने आपको अभी दिखाया था सी एल सी एच टू ओ सी एच टू सी एल दिस इज बिस क्लोरोमिथाइल ईथर जो कि साइड प्रोडक्ट इसका बनता है आइए देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में ब्लैंक रिएक्शन जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन्स ने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसको भी आप अगर चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं इन शब्दों का क्योंकि बार बार इस्तेमाल होगा स्पेलिंग इस को ध्यान में रखिएगा तो इस इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए आ, ये आपकी इच्छा है आप इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखें या इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन लिखें या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटिट्यूशन लिखें ये आ, आपकी मर्ज़ी के ऊपर या आप कितना ईजी फील करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है तो हम हाँ देखते हैं जैसे कि दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन में होता है बेंजीन के दूसरे एरोमेटिक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन में होता है उसी तरह से इस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन में भी पहला स्टेप जो है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन्स नहीं का बनना पहला स्टेप है इसमें जो लुइस एसिड है उसका काम है कि वो फॉर्मेलिटी हाइट के साथ मिलकर देखिए आप ये ये फार्मेलिटी हाइट का मॉलिक्यूल है और उसने जिंक ने फार्मेलिटी हाइट के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन में क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो हैं उनमें से एक लोन पेयर को लेके जिंक ने इसके साथ बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन पर अब हो गए तीन बॉन्ड ये एक ये दोनों तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज और इसी के साथ क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि लुइस एसिड जो है अम्ल लुइस अम्ल जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं हमें मालूम है कि एसिड वो भी होते हैं जो प्रोटोन देते हैं और एसिड वो भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्राही कंपाउंड्स होते हैं तो यहाँ पर जो लुइस एसिड है वो इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया आ, लिया उसने ऑक्सीजन से जिसके कारण उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज और जिंक के ऊपर आ गया माइनस चार्ज तो ये हमने देखा उसके बाद इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म इसका रेजोनेंस के द्वारा अनुनाद के द्वारा जो दूसरी संरचना बनती है उसमें आप देखिए कि ऑक्सीजन ने ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ था आप जानते हैं ये कार्बन है और ये फॉर्मलडिहाइड का मॉलिक्यूल था पहले इस कॉम्प्लेक्स को बनाने से पहले तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बाउंड है हम जानते हैं कि कार्बन का कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता है वो ऑक्सीजन की तुलना में आ, कम है यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव है इसका विद्युत इसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की कार्बन की तुलना में ज़्यादा है ये बात अगर हम जानते हैं तो हम ये समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आ, जो ऑक्सीजन है कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन क्योंकि वो ज़्यादा विद्युत ऋणी या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए वह अपनी ओर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो ऑक्सीजन इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन को पाई बंद दुर्बल बंद होता है सिग्मा बंद के तुलना में तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फॉर्मेल्टीहाइट में दो बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है और उसके तुलना में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है अब क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो पाईबंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है और इसीलिए यहाँ पर इस सिचुएशन में आप देखिए जहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये ऑक्सीजन की स्वाभाविक प्रकृति या नॉर्मल नेचर नहीं है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए तो वो ऑक्सीजन uh, के ऊपर आना चाहिए और नेगेटिव चार्ज सॉरी अगर कार्बन और ऑक्सीजन में अगर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए तो वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और कार्बन के ऊपर आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कार्बन जो है उसकी uh, विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में कम है तो इलेक्ट्रॉन uh, को आकर्षित जो है वो ऑक्सीजन अधिक करेगा और उसके ऊपर हम यहाँ देख रहे हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर में इस वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर जीरो चार्ज है जो कि प्राकृतिक या जो कि उसके ऑक्सीजन के नेचर के अनुरूप नहीं है ऑक्सीजन क्योंकि विद्युत ऋणी है इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा पाई बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रह जाएगा सिंगल बॉन्ड अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर से जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था वो चार्ज हट गया क्योंकि अब इसके पास सिर्फ दो बॉन्ड्स बचे हैं जो कि इसकी नॉर्मल प्रकृति है और क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की ओर चले गए हैं तो कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज था जबकि विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इसीलिए जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन के ऊपर होंगे और इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी विद्युत धनी जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया है तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है जिसमें कार्बन के ऊपर हो गया प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए बना क्योंकि लुइस एसिड कैटेलिस्ट जिंक क्लोराइड ने जो कार्बोनाइल ग्रुप था कार्बोनाइल समूह था उसके साथ उसके ऑक्सीजन के साथ बंद बनाया तो आइए देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या होता है सेकेंड स्टेप जो यहाँ पर है ये दरअसल दो स्टेप्स का समावेश है दो जो इकट्ठे ही बता दिया गया है यहाँ देखें जो द दे इंटरमीडिएट जिंक एल्कोक्साइड रिएक्ट्स विथ एरिन एरिन या बेंजीन एरिन यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि दूसरे एरोमेटिक न्यूक्लियस या दूसरे एरोमेटिक यौगिक के साथ भी ये क्लोरोमिथाइलेशन क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन होता है और बेंजीन भी एक एरिन ही है तो आप एरिन कहें या बेंजीन कहें दोनों ही शब्द यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं तो द्वितीय चरण में जो आ, आ, इलेक्ट्रोफाइल या मध्यवर्ती जिंक एल्कॉक्साइड जैसा ये जो जिंक एल्कॉक्साइड इसलिए कहा गया है क्योंकि जिंक ने ऑक्सीजन के साथ बनाया है और ये एल्काइल आर ग्रुप आप इसको मान सकते हैं तो इसको आर ओ के साथ जिंक जुड़ा हुआ है तो इसलिए जिंक एल्कॉक्साइड ये अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीजन तो जिंक और एल्कॉक्साइड के नाम से भी इसको जाना जाता है इस मध्यवर्ती को जो कि यहाँ बना है तो द्वितीय चरण में जो जिंक एल्कोक्साइड मध्यवर्ती या फिर आप सरल शब्दों में कहें कि प्रथम चरण में बनने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं का रिएक्शन अब बेंजीन रिंग या एरिन के साथ होगा आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग में क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे हैं तो इसीलिए जो है ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है या एरिन इलेक्ट्रॉन रिच होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है कार्बन के ऊपर इसलिए इसने इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग ने दिए और इलेक्ट्रोफाइल ने उन इलेक्ट्रॉन की ओर वो आकर्षित हुआ और इन दोनों के बीच में बंद बना तो आप देख सकते हैं कि ये जो सी एच टू है वो यहाँ पर है ये सी एच टू है आपको मालूम है कि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये वाला सी एच टू होता है क्योंकि हम हाइड्रोजन को हमेशा फार्मूला लिखते वक्त नहीं दिखाते हैं तो ये सी एच टू है ये वाला और ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पर बेंजीन के हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है उसको ही हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको यहाँ लिखेंगे माइनस एच प्लस यहाँ से एच हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है प्रोटोन के रूप में वो इसलिए क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बंद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं वो ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से यानी बेंजीन रिंग और इस मध्यवर्ती के बीच में जो रिएक्शन इन दोनों के बीच में हुआ है उसके कारण जो ये नया मध्यवर्ती बना है इसमें बेंजीन रिंग की एरोमेटिकता खत्म हो चुकी है तो इसीलिए उस एरोमेटिकता को उस स्थायित्व को वापस पाने के लिए सिस्टम कोशिश करता है इसलिए कार्बन हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ देखें कि प्रोटोन यहाँ से निष्कासित होगा H प्लस के रूप में माइनस यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से जो एक सी एल है उसके साथ इसने एच सी एल बनाया यहाँ सी एल से सी एल माइनस लिया इस प्रोटोन ने ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकला यहाँ से एक सी एल के साथ उसने एच सी एल यहाँ पर बनाया तो और जो बचा रह गया वो है, वो है जेड एन सी एल वो यहाँ पर ये मध्य, मध्यवर्ती यौगिक बनता है इसका फिर किसी हाइड्रोजन हेलाइट के साथ यानी वो एच हो या एच हो या एच हो तो इस तरह से आ, आ, जो दूसरे सॉरी एच हो या इसके अलावा एच बी एच भी यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोहेलस एसिड हाइड्रोजन हेलाइड के साथ चाहे कोई भी हो इनके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो जिस हेलोजन का हमने इस्तेमाल किया अगर वो एच एफ है तो यहाँ पर एफ लगेगा अगर एच सी एल का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर सी एल लगेगा तो इस तरह से यहाँ पर हेलो मिथाइलेशन और क्योंकि हमने अगर एच लिया है तो वो क्लोरो मिथाइलेशन ग्रुप हो जाएगा यहाँ बेंजीन के साथ और उसी के साथ भी आप ये देख रहे हैं कि ये जेड एन जेड एन सी एल ओ और एक प्रोटोन लेकर ये जेडन ओ एच सी एल साइड प्रोडक्ट के रूप में इसमें से निकल आता है तो ये है टोटल इसका रिएक्शन यहाँ पर इस स्टेप को आप एक और स्टेप में विभक्त करके लिख सकते हैं कि यहाँ तक आपने स्टेप टू लिखा यहाँ स्टेप थ्री लिख कर आप ये लिख सकते हैं कि इसमें फर्दर रिएक्शन इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन हेलो एसिड के साथ ये रिएक्शन यहाँ तक हो सकता है तो उस तरह से तोड़ के भी इसको स्टेप्स बना के लिख सकते हैं और आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यहाँ एक और चीज़ है कि यहाँ तक रोककर आप रिएक्शन को आगे लिख सकते हैं कि प्रोटोन का निष्कासन हुआ फिर ये बना फिर उसके बाद फिर एक और चौथा स्टेप लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं तो ये आपकी मर्जी है आप किस प्रकार से इसको लिखें लिखें इस प्रकार से भी आप इसको शो कर सकते हैं बशर्ते आप यहाँ लिखें कि यहाँ प्रोटोन का निष्कासन हुआ प्रोटोन का लॉस प्रोटोन लॉस हुआ एल ओ डबल एस लॉस है ये प्रोटोन लॉस या लॉस ऑफ प्रोटोन ऐसे भी लिख सकते हैं आप और यहाँ पर हाइड्रोजन हेलाइट के साथ रिएक्शन तो यहाँ पर एच एक्स भी लिख सकते हैं आप तो ये इसका मेकैनिज़्म है द करस्पॉन्डिंग फ्लोरोमिथालेशन ड्रोमोमिथैलेशन एंड आयोडोमिथलेशन रिएक्शंस कैन ऑल्सो भी अचीव्ड यूजिंग अप्रोप्रियट हैलो हाइड्रो हेलिक एसिड ये कहा गया है कि uh, अगर हमने एच सी एल का इस्तेमाल किया है तो क्लोरोिथाइलेशन होगा और हम फ्लोरोमिथाइलेशन ब्रोमोमिथाइलेशन और आयोडोमिथाइलेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं यानी यहाँ पर सी एच सी एच टू सी एल की जगह सी एल की जगह एफ हो तो सी एच टू एफ और आई हो तो सी एच टू आई इत्यादि या फिर बी आर तो उनको कहेंगे हम ब्रोमोमिथाइलेशन या फिर आयोडोमिथाइलेशन या हेलो फ्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन कह सकते हैं वो तभी संभव है जब हम उससे संबंधित हाइड्रोहेलिक एसिड का इस्तेमाल करें एच एक्स का इस्तेमाल करें एक्स का मान एक्स का जो एक्स जो है वो एटम क्लोरो ब्रोमो या आयोडो या क्लोरो कुछ भी हो सकता है आइए देखते हैं कि इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हाईली एक्टिवेटेड एडीन्स लाइक फिनॉल्स एंड एनिलीन्स are not suitable substrates since they undergo further electrophilic attack by Friedel Crafts alkylation uh, with uh, the formed benzylic chloride as, in an uncontrolled manner. क्या कहा गया है कि uh, बहुत ही सक्रिय uh, एरिन एरिन यानी जिनके अंदर ये एरोमेटिक न्यूक्लियस है उनको एरिन कहा जाएगा सक्रिय एरिन जैसे फिनॉल और एनिलीन फिनॉल क्या होता है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन हटा के ओएच OH लगाते हैं और एनिलीन क्या है यहाँ बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हटाकर अगर एन एच टू ग्रुप लगा तो वो एनिलीन होता है ये टू है एनएच टू लगा तो वो एनिलीन हुआ तो ये फिनॉल है ये एनिलीन है तो ये बहुत ज़्यादा सक्रिय है या एक्टिवेटेड एरिन्स हैं क्यों कहा गया है ऐसा क्योंकि इनके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है और ये जो है आ, अपने आ, जो लोन पेयर ऑक्सीजन का या लोन पेयर नाइट्रोजन का ये रेजोनेंस के द्वारा अनुनाद के द्वारा इन आ, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ऑर्थो और, और पैरा पोजिशन पे रेजोनेंस के द्वारा ये धकेल देते हैं यानी ये जो यौगिक ये जो यौगिक है इनमें जो क्रियात्मक समूह ओ एच और एन एच टू हैं ये अपने प्लस आर प्रभाव के द्वारा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को विस्थापित कर देते हैं उस पे भी ख़ास तौर से ऑर्थो और, और पैरापोजिशन पे इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व बढ़ जाता है कुल मिला के बेंजीन की तुलना में एनिलीन और फिनॉल में के वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बेंजीन की तुलना में सॉरी बेंजीन की तुलना में अधिक होता है हमें मालूम है कि ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो यदि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा ऐसी स्थिति में तो इनको हम कहते हैं हाईली एक्टिवेटेड एरिंगस ये बहुत ज़्यादा सक्रिय अभिक्रिया सक्रिय एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ने ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन को बहुत तीव्रता से प्रदर्शित करेंगे लेकिन यहाँ ये यह एक और प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पर बेंजिलिक क्लोराइड बेंजाइल क्लोराइड उत्पाद हमें क्लोरोमिथाइलेशन ऑफ बेंजीन के द्वारा जो प्राप्त हुआ ये जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एक नया इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफाइल सी एच टू प्लस यहाँ पर हो जाएगा सी सिक्स एच फाइव सी एच टू मतलब ये ये हट जाए जिंक के साथ तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ, कार्बन के ऊपर आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह आक्रमण करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर या आ, आप कह सकते हैं अगर इसके ऊपर ओ एच हो या एन एच टू हो उनके ऊपर भी ये आक्रमण करेगा तो तरह तरह के साइड प्रोडक्ट्स और ज़्यादा बन जाएंगे आ, तो इसीलिए जो आ, क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन है आ, वो आ, अगर हम फिनॉल और एनिलीन के साथ करें तो न केवल इनका आ, इनका क्लो, आ, इनमें क्लोरोमिथाइल ग्रुप जुड़ेगा इन दोनों मॉलिक्यूल्स में बल्कि ये फर्दर एल्काशन रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्कालेशन रिएक्शन भी दिखा देंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स साथ में दिखा देंगे तो इसलिए इनके साथ क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन या ब्लैंक मिथाइलेशन रिए क्लोरो रिएक्शन या ब्लैंक रिएक्शन फिनॉल्स और एनिलिन के साथ करना uh, उतना अच्छा रिएक्शन नहीं माना जाता रिएक्शन तब अच्छा माना जाएगा जब उसका जो प्रोडक्ट है वो अधिक मात्रा में उत्पाद uh, उत्पाद प्रा, uh, प्राप्त हो लेकिन बहुत सारे साइड प्रोडक्ट अगर प्राप्त होते हैं तो ऐसा रिएक्शन अच्छा नहीं माना जाता वेन द कंसनट्रेशन इज़ हाई फॉर्मेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट इज ड्यू टू सेकेंड एडिशन आर ऑब्जर्व तो अगर कंसन सान्द्रता अधिक हो कंपाउंड्स की तो साइड प्रोडक्ट दूसरे बनते हैं साथ में साइड प्रोडक्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि लुइस एसिड कैटलिस्ट है और ये अल्काइल हेलाइट की तरह कार्य कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये सी एच टू और ये सी एच टू सी एच टू और ये सी एल है ये वाला तो ये वाला जो हिस्सा है लुइस एसड की तरह कार्य करके बेंजीन के साथ भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक और सब्सिटूटेड डाई अराइल मिथेन साइड प्रोडक्ट ये दे सकता है इसको डाई अराइल मिथेन क्यों कहते हैं क्योंकि ये एक कार्बन है जो एलिफैटिक कार्बन है ये सी एच फोर अगर हम माने उसमें से दो हाइड्रोजन अगर हम हटा देते हैं तो सी एच टू और एक एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हमने बेंजीन रिंग लगा दिया तो वो ये उत्पाद हुआ यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाया सी सिक्स एच फाइव लिखा दूसरा हाइड्रोजन हटाया सी सिक्स एच फाइव लिखा तो वही ये चीज़ है तो इसीलिए इसको डाई एराइल मिथेन कहा जाता है यानी दो बंजिन रंग लगाए तो मिथेन के दो हाइड्रोजन को हटा के तो इस तरह का साइड प्रोडक्ट भी इस रिएक्शन में बनता है यदि जो जो, जो रिएक्टेंट्स हैं जो अभी क्या कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स की सांद्रता अधिक हो तो Uh, आइए देखते हैं कि दूसरा इसमें डिसएडवांटेज क्या है ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये जो हम चीज़ें यहाँ पर सॉरी uh, यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये इनको uh, आप uh, limitations ऑफ ब्लैंक रिएक्शन के नाम से भी लिख सकते हैं कि इसकी कमियाँ क्या क्या हैं इसकी सीमाएँ क्या क्या हैं तो आप लिख सकते हैं ब्लैंक रिएक्शन की सीमाएँ उसमें सबसे पहले लिख सकते हैं कि आप ये जो फ़िनॉल और एनिलीन वो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक्स अटैक और फर्दर फ्रीडल क्राफ्ट अल्कलेशन दिखा सकते हैं क्योंकि माध्यम में एसिड uh, है और ये एक अल्का हेलाइट की तरह कार्य कर रहा है इसके अलावा आप ये वाला जो कंसनट्रेशन हाई होने से साइड प्रोडक्ट मिलता है सेकेंड uh, एडिशन uh, हो जाता है इस वजह सेकेंड um, uh, इस तरह से रिंग और जुड़ जाता है ये आप दिखा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डायरल मिथेल का मिथेन का बनना Uh, इसी तरह से एक और लिमिटेशन आप दिखा सकते हैं ये तीसरी लिमिटेशन है कि अदर पॉसिबिलिटीज़ फ़ॉर द इलेक्ट्रोफाइल इंक्लूड क्लोरोमिथाइल ऑक्सोनियम कैटाइन तो साइड रिएक्शन में ये इस तरह से क्लोरोमिथाइल ऑक्सोनियम कैटाइन भी बनते हैं या इस तरह से क्लोरोकार्बिनियम आयन वगैरह बनते हैं और इनके ये इसलिए बनते हैं क्योंकि जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो साइड प्रोडक्ट्स हैं ये फर्दर ये जो सॉरी uh, इलेक्ट्रोफाइल्स uh, बन रहे हैं जो कि इच्छित इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है इनके द्वारा दूसरे तरह के रिएक्शंस और दूसरे तरह के साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं तो ये uh, तीसरी कमी है पहले दो कमी इससे पहले हमने पढ़ लिया है फिनॉल एनिलीन वाला और डाई एराइल मिथेन वाला वो दूसरा था एनिलीन और फिनाइल वाला नंबर वन एराइल मिथेन वाला नंबर टू और ये तीसरी कमी है कि दूसरे तरह के अगर इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं तो साइड रिएक्शंस और भी ज़्यादा होंगे जो मुख्य उत्पाद की मात्रा को कम कर देंगे आ, आ, इसके बाद और एक देखिए मॉडरेटली एंड स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटेड सबस्टेट्स दैट आर इनर्ट टू फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लाइक एसिटोफिन नाइट्रोबेंजीन एंड पैराक्लोरो पैरा क्लोरोइट्रोबेंस इन शो क्लोरोशन अंडर दीज कंडीशंस तो ये सीमाओं में नहीं है ये एक uh, फ़ायदा है ब्लैंक uh, रिएक्शन का इसकी आप ये कह सकते हैं इसमें इसकी इम्पोर्टेंस इसके एक लाभ में आप इसको लिख सकते हैं लाभ में आप ये लिख सकते हैं कि ऐसे सबस्ट्रेट या ऐसे यौगिक जो आमतौर पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करते यानी जिनमें हम किसी तरह से अल्काइल समूह या चाहे वो क्लोरो अल्काइल हो या हेलो एल्काइल हो या अल्काइल समूह जिनको हम उसमें नहीं जोड़ सकते जैसे कि एसिटोफिन नाइट्रोबेंजीन और पैरानाइट्रोबेंजीन जो कि डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट हैं डीएक्टिवेटेड सबस्ट्रेट इसलिए हैं क्योंकि अगर आप देखिए से फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोबेंजीन एन ओ टू बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा के एन ओ टू ग्रुप लगाया हुआ है तो ये सारे जो ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेते हैं यानी हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं का रिएक्शन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल उस जगह पर आक्रमण करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व ज़्यादा हो लेकिन अगर बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन्स कोई समूह इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ बेंजीन रिंग पर आक्रमण नहीं करेगा तो जो नाइट्रोबेंजीन है नाइट्रो नाइट्रोग्रुप एसिटोफिन का कार्बोनाइल ग्रुप क्लोरो नाइट्रोबेंजीन के क्लोरो और नाइट्रोग्रुप ये ऐसे समूह है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेते हैं और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व घटा देते हैं ये जो ब्लैंक रिएक्शन है ये है और फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये रिएक्शंस जो हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण में होता है लेकिन जो क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन है वो इस तरह के यौगिक जो डीएक्टिवेटेड यानी विसक्रिय वि वी सक्रियनकारी सक्रियन समूहों की वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन के प्रति थोड़ा सा निष्क्रिय हैं ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड भी ब्लैंक रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं इन्हीं रिएक्शन कंडीशंस में यानी लुइस एसिड कैटलिस्ट जेडेंसीएल टू और हाइड्रोजन हेलाइड और फॉर्मेल्टीहाइड की उपस्थिति में क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन इन निष्क्रियकारी समूहों की वजह से ये डीएक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड यानी निष्क्रिय निष्क्रिय जो सबसेट हैं वो जो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं प्रदर्शित कर सकते लेकिन वो ब्लैंक रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं तो ये सारी चीज़ें थी आ, ब्लैंक क्रिएशन के बारे में आज जो हमने पढ़ी मुझे उम्मीद है कि आपको आ, आज का स्टडी मटेरियल समझ में आया होगा आ, आप आ, पहले समझ लें और समझने के बाद वीडियो को पॉज करते हुए हिंदी में आपने नोट्स बनाए पॉज करते हुए वीडियो को देखें एक बार से अगर नहीं होता तो सेकेंड टाइम उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन क्लास और बाई व्हाट्सएप यू कैन आस्क मी व्हाट्सएप के द्वारा भी आप मुझे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर बींग विथ मी